भारत एक ऐसा देश है जब विभिन्न धर्म, जाति, संस्कृति और संप्रदाय के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। भारत में हर दिन कुछ ना कुछ नया सुनने को ही मिलता रहता है। ऐसे में आज हम आपको भारत से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट के बारे में बताएंगे जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। भारत के बारे में रोजाना आप कुछ ना कुछ नया जरूर पढ़ते होंगे। क्या आपको पता है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है और दुनिया का सातवां सबसे बड़ा देश है, और इंडिया नाम की उत्पत्ति इंड्यूस नाम की नदी से हुई है जो कि इंड्यूस वैली की घाटियों में बहा करती थी। ऐसे ही कुछ रोचक फैक्ट के बारे में आज हम आपको बताएंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भारत दुनिया की सबसे प्राचीन और विकसित सभ्यताओं वाला देश है जिसकी आबादी लगभग 140 करोड़ है। तकरीबन 17वीं शताब्दी तक भारत दुनिया का सबसे अमीर देश था, लेकिन अंग्रेज आने के बाद ये देश गरीब होता चला गया। लेकिन आज भी भारत की सेना अमेरिका और चीन के बाद तीसरे नंबर पर आती है। भारत के पास दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सेना है। भारत देश दुनिया में सबसे बड़े आकार वाले देशों की लिस्ट में सातवें नंबर पर आता है। हर 12 साल के बाद इलाहाबाद में कुंभ मेले का आयोजन होता है। कुंभ मेला दुनिया में एकमात्र ऐसा मेला है जहां धर्म के नाम पर सबसे ज्यादा लोग आते हैं, और इस मेले को अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। भारत दुनिया का 24वां ऐसा देश है जहां अंग्रेजी सबसे ज्यादा बोली जाती है। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि भारत का पहला रॉकेट साइकिल पर और सैटेलाइट को बैलगाड़ी पर लाया गया था। भारत के केरल में दुनिया की सबसे बड़ी डाक व्यवस्था है, तो वहीं 700 ईसा पूर्व में भारत का पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला खुला था, जिसमें से पढ़े हुए हजारों छात्रों ने दुनिया के कोने कोने में जाकर देश का नाम रोशन किया। भारत देश की पवित्र नगरी वाराणसी दुनिया की सबसे पुरानी नगरी है। शतरंज खेल की खोज भारत में हुई थी, जिसे आज हम चेस के नाम से जानते हैं। साथ ही सांप और सिली का यह अनोखा खेल भी हमारे भारत में ही उत्पन्न हुआ था। इसके खेल के पीछे अच्छाई और बुराई की शिक्षा छुपी हुई है। दुनिया का सातवां अजूबा भी भारत में है, जिसे ताजमहल कहा जाता है। आगरा के ताजमहल को मुगल शासक ने अपनी बेगम मुमताज की याद में बनवाया था। भारत ने दुनिया तक योग पहुंचाया है। योग 5000 वर्ष से भी ज्यादा पुराना माना जाता है। भारत में 50% से भी ज्यादा लोग ऐसे हैं जो 25 साल से छोटे हैं, तो वहीं 65% लोग ऐसे हैं जो 35 साल से छोटे हैं। इस देश में दूसरे देशों की अपेक्षा लोग जल्दी ही जवान हो जाते हैं। भारत की सभ्यता दुनिया में सबसे पुरानी है। यहाँ तक के दुनिया के कई प्राचीन स्थान और इमारतें भारत में हैं। भारत के प्राचीन साम्राज्य मिस्र और मेसोपोटामिया से भी पहले के हैं। दुनिया का सबसे बड़ा रोड नेटवर्क भारत के पास है, जो तकरीबन 1.9 मिलियन मील का है। भारत का मेघालय राज्य दुनिया का सबसे ज्यादा बारिश वाला राज्य है। साथ ही सुपर कंप्यूटर बनाने वाले 3 देशों में से एक भारत भी है। दूसरे 2 देश US और जापान हैं। सन 1986 तक भारत अकेला ऐसा देश माना जाता था जहां आधिकारिक रूप से हीरा पाया जाता था। भारत में ही दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम है। ये क्रिकेट स्टेडियम हिमाचल प्रदेश में है, जो कि समुद्र तट से 24,000 मीटर ऊपर बना हुआ है। भारत देश में दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है। लेकिन इतने बड़े देश में आपको एक बात हैरान कर देगी कि भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हिंदी भारत की आधिकारिक भाषा है, जो कि देश के कई राज्यों में बोली जाती है। इसके अलावा अंग्रेजी भी देश के कई राज्यों में बोली जाती है। साथ ही साथ देश में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी भी ऐसी भाषाएं हैं जो कि देश के 22 राज्यों में बोली जाती हैं। भारत में 1652 बोलियां और भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइस।